हे हेलो नमस्कार, मेरा नाम है क्लव्य और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम के बारे में कि दोस्तों बीकॉम करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फ्यूचर स्कोप है, आपको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्या एडमिशन प्रोसेस और कितनी फीस लगेगी बीकॉम करने के लिए, आपको कितनी सैलरी मिलेगी बीकॉम करने के बाद, इन सभी विषयों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बीकॉम जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ कॉमर्स है, यह एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं जैसे कि बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। तो इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, लेकिन दोस्तों आज हम बीकॉम के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। दोस्तों यह कोर्स 3 साल का है, मतलब कि यह कोर्स की ड्यूरेशन 3 ईयर्स की ही होती है और ये 3 साल 6 सेमेस्टर में डिवाइड होते हैं, जिसके दौरान स्टूडेंट को जनरल बिजनेस प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही साथ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। अब दोस्तों यदि आपको बीकॉम करना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों आप 12th कॉमर्स से हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो बीकॉम चूज करते हैं वे कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होते हैं। लेकिन इसके अलावा आप यदि साइंस साइड से हैं, 12th पास हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीकॉम आप कर सकते हैं। और दोस्तों आपके 12th में मिनिमम 45-50% है तो आप सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों एक बात यह भी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा वेरी करती है, लेकिन यदि आपके मिनिमम 45-50% मार्क्स हैं तो आप लगभग सभी के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ यदि एडमिशन की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस सिर्फ एकेडमिक मेरिट के आधार पर ही एडमिशन ले लेते हैं और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं। तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके बारे में आप डिटेल पता कर लीजिए कि उस कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, फिर आप उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें फीस की, तो दोस्तों बहुत सारे कॉलेज इसके लिए बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो फीस का कहा जाए तो पूरी तरह कॉलेज पर ही निर्भर करता है, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो ये 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये एनुअल तक आपको खर्च करनी पड़ सकती है। अब दोस्तों एक सवाल कि बीकॉम किन स्टूडेंट को करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप बीकॉम करने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोर्स चूज करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए बीकॉम एक अच्छा कोर्स हो सकता है, क्योंकि बीकॉम के बाद आपको बहुत सारे सेक्टर मिल जाते हैं जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बैंक्स, कैपिटल मैनेजमेंट, बजट प्लानिंग, अकाउंटिंग फर्म, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सभी जगहों पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हायर स्टडीज़ के तौर पर यदि CA, CS, CMA, MBA या फिर MCOM करना चाहते हैं तो आपको BCOM चूज करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट CA या फिर MBA के लिए चले जाते हैं या फिर MCOM करते हैं, तो आप भी BCOM चूज करके ये हायर स्टडीज़ में ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी सारी जॉब एरियाज है आपके लिए। अब सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी एवरेज बीकॉम करने के बाद आपकी सैलरी जो है एवरेज 2.5-4 लाख पर एनम तक हो सकती है। और दोस्तों ये जो सैलरी होती है पूरी तरह आप पर निर्भर करती है कि आप कितने अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बीकॉम के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यदि आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।